हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ब्रेड। आपकी ब्रेड पे बहुत ही ज्यादा क्वेरी आती रहती है, ब्रेड बनाइए ब्रेड बनाइए। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ब्रेड शेयर करूंगी। और फ्रंट लुक जो होता है ब्रेड का, वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, लेकिन बैक से मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया हुआ है। और दूसरी बात, मैंने जितने भी अब तक ब्रेड बनाई है, वो मोस्टली जो वीडियो बनाई है वो ऑयली हेयर्स में बनाई है, लेकिन आज मेरे बालों में कोई भी ऑयल नहीं है। मैंने अपने बालों को वॉश कर रखा है। वॉश करने के बाद मैं आज ब्रेड अपने बालों में करने वाली हूँ। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना एंड वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से जाती रहेगी। तो इस वीडियो में अब हम शुरू करेंगे अपनी ब्रेड। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नॉर्मल ब्रेड जो होती है, नॉर्मल ब्रेड से हम स्टार्ट करेंगे। और बाकी आपको जिस भी टॉपिक पे ब्रेड्स चाहिए, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। सिंपल ब्रेड इस वीडियो में बैक लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अपने बालों को कॉम कर लेना है, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो सबसे पहले मैंने अपने बालों को कॉम भी किया है। और कॉम करने के बाद ही मैं वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ, इसीलिए बार बार मैं अपने बालों को कॉम नहीं करूंगी। तो अब शुरू करते हैं अपनी ब्रेड बैक लुक। सबसे पहले अच्छे से अपने बालों को सुलझा लेंगे। सुलझाने के बाद आपको अपने हेयर्स को थ्री पार्ट में डिवाइड करना है। इस तरीके से आप सबसे पहले नीचे से हेयर पकड़ेंगे और नीचे से हेयर पकड़ने के बाद इस तरीके से आप अपने हेयर्स को थ्री पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। बालों की लेंथ कोशिश करना है, बालों की जो आप क्वांटिटी लेंगे वो आप इक्वल क्वांटिटी लेंगे, ताकि जो आपकी ब्रेड बनेगी बहुत ही अच्छी ब्रेड आपकी बनेगी। देखिए इस तरीके से आपको कम ज्यादा बाल नहीं रखने हैं, ध्यान से देखना है वीडियो में। अभी जो मैंने बाल लिए हैं इनका पोर्शन ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको दिख जाएंगे। अगर आप कम ज्यादा बाल रखेंगे तो इस तरीके से आपकी चोटी बनेगी, और अगर आप तीनों पार्ट में बालों को इक्वल लेंगे तो आपकी चोटी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इस तरीके से अपने बालों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद ये पोर्शन भी अपने हाथ में लेना है और ये भी, और इस तरीके से पहले लेफ्ट से उठाएंगे, लेफ्ट से, और बीच वाला पार्ट को बीच में ही रखेंगे, और अब राइट से इस तरीके से, और इधर के ये बाल लेफ्ट साइड के कस लेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी तरीके से राइट साइड से लेना है, फिर लेफ्ट साइड से, उसके बाद फिर राइट, मतलब इसी तरीके से आपकी पूरी चोटी, ये सिंपल चोटी बन जाएगी। लेफ्ट राइट इसी तरीके से करना है। और आपने तीन पोर्शन लिए हैं, तीनों पोर्शन आपके कवर हो जाएंगे। मेरे शॉर्ट हेयर है इसलिए मेरी चोटी ज्यादा नीचे तक नहीं जाएगी, तो शॉर्ट हेयर में ही मैं आपको ये चोटी करके दिखा रही हूँ। और मेरे कटिंग के हेयर है इसलिए मेरी चोटी से बाल निकल रहे हैं, तो इस तरीके से आप अपनी चोटी को कर सकते हैं। इस तरीके से फिर नीचे रबड़ बैंड आप लोग डाल देंगे और आपकी चोटी बनके कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वीडियो में आप लोगों ने मुझसे बैक साइड से ही लुक मांगा था, इसलिए मैंने बैक साइड से आपके साथ शेयर किया है। इस वीडियो को रखेंगे फिर इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।